वेलकम टू क्विक शॉट सीरीज बाय सिली शर्मिली। आज का अल्फाबेट है हमारा पी और इसके लिए हम लाए हैं नवाबों के शहर रामपुर से आज आपके लिए एक यूनिक और इजी रेसिपी और वो है पी से पानी वाला अचार। इसको देखकर लोग वंडर करते हैं कि कैसे बनता होगा, बट ऑनेस्टली ये जितना इजी है उतना ही टेस्टी भी है। तो चलिए देखते हैं इस पानी वाले अचार का राज। पानी वाले अचार के लिए हमने सबसे पहले गाजर या फिर हम मूली भी ले सकते हैं, यानी कैरेट या रेडिश, दोनों को बॉईल कर लेंगे जो भी हम ले रहे हैं। और उसमें हम डालेंगे नमक, पिसी हुई राई, लहसुन का पेस्ट और लाल मिर्च पाउडर। ये सब डाल लिया है हमने। और गाजर को हमने किस तरीके से बॉईल किया है ये हम बता देते हैं। मूली हो या गाजर, दोनों में से जो भी आप लेना चाहें उसको कुकर में एक गिलास पानी के साथ डालें, एक सीटी आने पर लो फ्लेम कर दें और 10 मिनट पर रखें। और 10 मिनट लो फ्लेम पर रखने के बाद इसको बंद कर दें और फिर प्रेशर रिलीज होने दें। ये हमारी गाजर या मूली बॉईल करने का तरीका है। इसके बाद ये हमने मसाला डाल दिया है ठंडे होने के बाद और अब हम डाल रहे हैं इसमें पानी। ये गया इसमें पानी। और पानी डालने के बाद हम डालेंगे इसमें बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जो कि है चुकंदर। ये ऑप्शनल है बट इसको डालने से हमारे अचार का कलर बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए, ये हमारा चुकंदर यानी बीट रूट गया अंदर। हमने एक छोटा सा बीट रूट लिया है इसके अंदर और हम इसको करेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे एक कंटेनर में। ये देखिए, ये हमने ट्रांसफ़र कर लिया है कंटेनर में और इसको हम रखेंगे 3 दिन तक। कहीं पर भी किचन में आप साइड में रख दें और 3 डेज बाद हम इसको निकाल कर देखेंगे। ये देखिए, 3 दिन हो गए हैं और ये कितना बढ़िया अचार बनकर तैयार हुआ है। वाओ, यम्मी। चलिए तो अब ऐसे ही बना लेते हैं मूली का अचार। सेम तरीके से हमने रेडिश को ही बॉईल कर लिया है और उसमें हम सेम मसाले डालेंगे। बस हम इसमें बीट रूट यानी चुकंदर नहीं डालेंगे क्योंकि इसका कलर तो वैसे ही बहुत बढ़िया आता है। लीजिए, तो हमारी बॉइल्ड रेडिश के अंदर हमने डाल दिया है गार्लिक पेस्ट। अब हम डाल रहे हैं रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर की जगह आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा कलर देता है। इसमें हम कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स नहीं डालेंगे। अब हमने डाला है नमक और डाला है राई पाउडर। राई पाउडर एक्चुअली ब्राउन मस्टर्ड सीड का पाउडर होता है और ये बहुत इजीली मसालों में अवेलेबल रहता है। ये सब कुछ डालकर हम करेंगे इसको अच्छे से मिक्स। ये देखें, अब ये मिक्स हो गया है और हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे अब एक कंटेनर में। कंटेनर हम प्लास्टिक का भी ले सकते हैं और हम कोई दूसरा कंटेनर भी ले सकते हैं स्टील का, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हम इसको कवर करके रखें और सनलाइट में ना रखें। और इसको 3 दिन बाद सर्व करिए, मज़ा आ जाएगा। इसको डायरेक्ट भी लिया जा सकता है और अगर इसको राइस में डालकर खाया जाए तो बस मज़ा ही आ जाता है। आपको दोनों में से जो पसंद आए या दोनों ही पसंद आए तो दोनों ही बनाएं और ज़रूर बताएं कि कैसा लगा हमारा पानी वाला अचार।